हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क भी दरअसल हमारे पास आईपी एड्रेस की तरह एक 32 बिट नंबर होता है, और बिल्कुल जिस तरह हम लोग एक आईपी एड्रेस को लिखते हैं चार हिस्सों में 8-8 बिट्स के, जिनको हम लोग ऑक्टेट्स भी कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम लोग 32 बिट नंबर सबनेट मास्क को भी लिखते हैं। यानी हमारे पास 8 बिट्स होंगी, फॉर एग्जांपल, जिनको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर डॉट अगली 8 बिट्स, फिर डॉट अगली 8 बिट्स, और फिर डॉट लगा के आखिरी 8 बिट्स। ये एक्स, जिस तरह के आपको याद होगा, अगर 8 बिट्स की बात की जा रही है तो ये दरअसल हमारे पास वंस एंड जीरोस का ही कम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, 4 times 1 and 4 times 0, तो ये हमारे पास 8 बिट्स हो गई। इसी तरह ये बाकी एक्स भी 8 बिट्स का कम्बिनेशन होंगे। हमारे पास सबनेट मास्क भी तो हमने देखा कि बिल्कुल आईपी एड्रेस ही की तरह होता है, तो हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है और इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? दरअसल हमारे पास, हमने देखा था कि एक आईपी एड्रेस के दो हिस्से होते हैं, एक उसका नेटवर्क पार्ट होता है और एक हमारे पास उसका होस्ट पार्ट होता है। अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे लगे कि आईपी एड्रेस के अंदर कौन सा हिस्सा, कौन से उसके जो चार हिस्से हैं उनमें से कौन से हिस्से उसके नेटवर्क का पार्ट हैं और कौन से बाकी हिस्से उसके होस्ट का पार्ट हैं? तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ज़रूरत हमें पड़ती है सबनेट मास्क की, और सबनेट मास्क ही हमें बताता है कि किसी भी आईपी एड्रेस में उसका नेटवर्क का हिस्सा क्या है और उसका होस्ट का हिस्सा क्या है। तो ये जो दो पार्ट्स होते हैं आईपी एड्रेस के, इनको हम लोग सबनेट मास्क की मदद से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको इसी वीडियो में हम लोग आगे चल के देखेंगे। और अगर हमारे पास ये सबनेट मास्क ना हो तो हमें इस इंफॉर्मेशन का नहीं पता चलेगा, यानी हम लोग आईपी एड्रेस के दो पार्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। और फिर इस चीज़ के बगैर कि हमारे पास किसी भी डिवाइस का नेटवर्क पार्ट कौन सा है और होस्ट पार्ट कौन सा है, हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती उसके एड्रेस के बारे में। इस चीज़ को अगर एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक नेटवर्क मौजूद है। फॉर एग्जांपल, इसको नाम दे देते हैं N1 का। इस नेटवर्क के अंदर ये लैपटॉप, स्पीकर, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट और राउटर जो है आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर हर डिवाइस को एक आईपी एड्रेस दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास इस लैपटॉप का एड्रेस होगा 192.168.10.50। हम लोग सपोज कर लेते हैं ये इसका आईपी एड्रेस है। अब अगर यहाँ पर इसका मैं सबनेट मास्क ना बताऊं तो मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं चल सकेगा कि ये कौन सा इसका हिस्सा नेटवर्क पार्ट है और कौन सा हिस्सा इसका होस्ट पार्ट है। तो फॉर एग्जांपल, असल में हम इसके जो पहले तीन हिस्से थे ये इसके नेटवर्क पार्ट थे, जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे इस चीज़ की कि ये N1 का एक हिस्सा है, यानी एक ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क 1 के अंदर कनेक्टेड है। लेकिन हमने तो कहा हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन है ही नहीं क्योंकि सबनेट मास्क नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, हम लोग यहाँ पर गलती से इसको नेटवर्क समझ लेते, या इसको नेटवर्क समझ लेते, या इसको नेटवर्क समझ लेते, तो फिर हमें इस चीज़ का पता ही ना चल सकता कि ये N1 का हिस्सा है, क्योंकि N1 को पहचानने के लिए हमें ये तीनों हिस्से चाहिए थे, क्योंकि ये इसका कंप्लीट एक नेटवर्क पार्ट है। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? सबनेट मास्क की मदद से, कि कौन से इस चार हिस्सों में से हमारे पास कौन से हिस्से नेटवर्क पार्ट हैं और कौन से होस्ट पार्ट हैं। तो आइए देखते हैं इस काम को हम लोग कैसे करते हैं। सबनेट मास्क में हमारे पास जो 32 बिट्स हैं उसमें से जितनी भी बिट्स हमारे पास 1 होती हैं वो हमारे पास तमाम नेटवर्क पार्ट के लिए होती हैं, और जितनी भी बिट्स हमारे पास 0 होती हैं वो तमाम होस्ट पार्ट के लिए होती हैं। इस चीज़ को अगर एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी एक आईपी एड्रेस था और उसकी ये 32 बिट्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर ये पहला ऑक्टेट हमारे पास, जिसकी 8 बिट्स ही आ गई, फिर डॉट लगा के अगला ऑक्टेट यानी अगला हिस्सा, और फिर बाकी दो ऑक्टेट्स। अब मैं कहता हूँ कि मुझे पता लगाना है कि अगर ये मैंने आईपी एड्रेस किसी एक डिवाइस ए को दे दिया है तो इस डिवाइस का नेटवर्क पार्ट कौन सा है और इस डिवाइस का होस्ट पार्ट कौन सा है। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ी सबनेट मास्क की। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका सबनेट मास्क कुछ इस तरह का था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबनेट मास्क के अंदर पहले तीन ऑक्टेट्स पूरी तरह 1 हैं, और ये हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जितने भी 1s होंगे ये दरअसल जाहिर कर रहे होंगे नेटवर्क पार्ट को। तो अब इस मास्क को इस आईपी एड्रेस के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। इस मास्क के अंदर जहाँ जहाँ पर 1 आएगा वो बिट आईपी एड्रेस के अंदर नेटवर्क का हिस्सा होगी। तो इसका मतलब है कि ये, क्योंकि पहले तीनों ऑक्टेट्स यानी कि पहले की 24 बिट्स
8 bits इधर की, 8 bits इधर की और 8 bits इधर की, ये तमाम 1 हैं, तो ये तमाम जो तीनों octets हैं ये किसके लिए हो जाएंगे, network part के, तो हमने लिख दिया 3 octets. तो ये पहले जो 3 octets थे ये network part में आ जाएंगे, और जितने भी zeros होंगे ये वाली तमाम bits कहाँ आ जाएंगी, host के हिस्से में. तो यहाँ पर हमने h लिख दिया और यहाँ पर n लिख दिया. तो आपने देखा कि अब मैं जब भी किसी डिवाइस को ये आईपी एड्रेस दूंगा तो इस आईपी एड्रेस से मैं ये भी पता लगा सकूंगा कि वो आईपी एड्रेस, वो डिवाइस हमारे पास कौन से नेटवर्क का हिस्सा है और उस नेटवर्क के अंदर ये कौन सा होस्ट है. लेकिन अगर मुझे ये सबनेट मास्क ना पता होता तो फिर मैं ये काम ना कर सकता. अब यहां पर जिस तरह हम लोग पहले आईपी एड्रेसेस को अपनी आसानी के लिए डेसिमल वैल्यूज में लिख रहे थे, उसी तरह हम लोग मास्क को भी डेसिमल वैल्यूज में लिख सकते हैं. तो ये तमाम वंस हमारे पास, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 255. इसी तरह ये भी 255 बन जाएगी और ये भी हमारे पास 255 ही बन जाएगी. तो अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो क्या आ जाएगा, 255.255.255.0. ये आखिरी की 8 बिट्स 0 थी तो ये यहाँ पर 0 आ गया. हमने सिंपल इन बाइनरी वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट किया है. ये काम हम लोग कैसे करते हैं आप हमारी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं जहां पर हमने इनको कन्वर्जन्स को पढ़ा था. यहां पर इस बात का ख्याल रखा जाए कि जब भी आईपी एड्रेस में या मास्क में बाइनरी टू डेसिमल हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग हर हिस्से को अलग अलग कन्वर्ट करते हैं. यानी पहले इन 8 बिट्स को कन्वर्ट करूंगा और पहले ऑक्टेट की वैल्यू लिख दूंगा, फिर इन 8 बिट्स को कन्वर्ट करूंगा और दूसरे ऑक्टेट की वैल्यू लिख दूंगा, फिर इसी तरह अगली 8 बिट्स और अगली 8 बिट्स. अब आगे चलते हैं और इसी चीज की एक और एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आईपी एड्रेस मौजूद था 192.168.123.132. अब मैंने ये एक लैपटॉप को असाइन कर दिया, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे पता चले कि ये लैपटॉप मेरे पास कौन से नेटवर्क का हिस्सा है और मेरे पास ये लैपटॉप उस नेटवर्क के अंदर कौन सा होस्ट है. यानी मुझे जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक आईपी एड्रेस से पता चलती है मैं उसका पता लगाना चाहता हूं. तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सबनेट मास्क की. हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसका सबनेट मास्क हमारे पास ये था 255.255.255.0. अब हमें पता है कि ये 255 का क्या मतलब है. इसका ये मतलब है कि हमारे पास पहले ऑक्टेट की यानी पहले हिस्से की तमाम 8 बिट्स 1 है. ये हमें कैसे पता चला, इस डेसिमल को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और यही काम इसका उल्टा जो था हमने यहाँ पर किया था कि अगर तमाम वंस होंगी तो ऑक्टेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 255. तो हमें पता चल गया कि अगर मास्क में 255 है तो यहाँ पर तमाम जो 8 की 8 बाइनरी वैल्यूज थी वो 1 थी. यानी ये कुछ इस तरह लिखा हुआ था 1111, फिर इसी तरह 4 times 1 दोबारा, और यही हमारे पास 8 वंस यहाँ पर 8 वंस और ये सारे जीरोस. तो ये हमारे पास जो पहले 3 हिस्से हैं ये नेटवर्क के हैं. तो अब मुझे पता चल जाएगा इस सबनेट मास्क की मदद से कि इस लैपटॉप के आईपी एड्रेस के अंदर ये जो पहले 3 हिस्से हैं ये क्या बता रहे हैं, इसका नेटवर्क जो मुझे पता करना था. तो नेटवर्क का मुझे पता चल गया और उस नेटवर्क के अंदर ये कौन सा होस्ट है, ये 132 नंबर होस्ट है. तो ये काम हमने किया सबनेट मास्क की मदद से. हमें नेटवर्क पार्ट का पता चल गया यानी ये 3 हिस्से नेटवर्क पार्ट के आ गए और अगला जो एक हिस्सा था वो हमारे पास होस्ट पार्ट आ गया. तो स्टूडेंट्स जब भी हम लोग किसी भी नेटवर्क में एड्रेसिंग कर रहे होते हैं आईपी एड्रेसेस की मदद से, हम उसका सिर्फ अगर आईपी एड्रेस बताएं और सबनेट मास्क ना बताएं तो ये हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी. हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन तब ही होगी जब हम लोग आईपी एड्रेस के साथ उसका सबनेट मास्क भी बताएं, जिसकी मदद से फिर हम लोग उसका नेटवर्क भी आइडेंटिफाई कर लें और होस्ट भी आइडेंटिफाई कर लें यानी कि पहचान लें. थैंक यू स्टूडेंट्स.